हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह सुबह के 8:30 का टाइम, 8:30 भी नहीं हुए, अभी 5-1 मिनट बाकी ही हैं। और सुबह सुबह आज मेरा स्नान वगैरह बहुत जल्दी मैंने कर लिया था, 8 बजे से पहले ही। लंच वगैरह जो भी बनाना था वो ऑलरेडी जल्दी जल्दी मैंने बना लिया है। जस्ट अभी पैक कर रही हूँ मैं हस्बैंड का टिफ़िन, क्योंकि वो भी 8:45 बजे तक निकल जाते हैं। इतना जल्दी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ आज सिद्धार्थ के स्कूल जाना है मुझे, उसकी जो 5th ग्रेड की बुक्स हैं वो भी मिलेंगी, और दूसरा पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है तो वो भी मुझे अटेंड करना है। तो 10:15 बजे के आसपास कुछ मुझे निकलना था, तो मैंने सोचा जितनी जल्दी नहा धो के आप रेडी रहो ना, तो हड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि अभी सिद्ध उठेगा, फिर उसको भी मुझे तैयार करना है और फिर हमें जाना है। उठ गए, रेडी हो जाओ, आज तुम्हारी 5th क्लास की बुक मिलने वाली है। हाँ, आज न्यू न्यू बुक्स मिलेगी। अब तुम 2-4 दिन 5 दिन उन्हीं बुक्स में खोए रहोगे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, सबके साथ ही ऐसा होता है कि जब नई नई बुक्स मिलती हैं तो उसकी खुशबू में क्या क्या है बुक्स के अंदर, इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, बहुत अनदर लेवल होता है वो। बहुत मज़ा आता है जब सेशन न्यू स्टार्ट होता है तो नई नई स्टेशनरी मिलती है, एकदम खाली खाली पन्ने मिलते हैं, और फिर पूरा ईयर में उसको इस तरीके से कचड़ मचड़ करके पूरा ख़राब कर दिया जाता है, नहीं है ना। और ओरिएंटेशन भी है, आपकी पता है मैम कौन है, तो आज इसकी क्लास टीचर से भी मुलाकात होगी, और आगे कैसे कैसे है, क्या क्या है, वो सारा, मतलब न्यू सेशन किस तरीके से चलेगा वो सब एक्सप्लेन होगा आज। तो बस अभी हो रहा है 9:15 बजे निकलना है, इसको रेडी करूँगी अब मैं। तो सुबह सुबह एकदम 8 बजे आज नहा के तैयार हो गई, और तब तक थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं घर का। जब तक सेध ब्रश वगैरह कर रहा था और अपना थोड़ा सा मॉर्निंग में बच्चों को लगता है ना उठने के बाद थोड़ा सा समय लगता है एकदम एक्टिव मोड में आने में, तब तक मैंने थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर लिया, और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। कल का जो वीडियो आपने देखा उसमें मैंने दाल तड़का बनाया था, प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ा बहुत बची हुई थी तो वो थोड़ी सी ले ली है। आज सुबह बनी थी भिंडी की भुजिया तो वो हमने ले ली है, और रोटी, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। तो सिद्ध को मैं अभी ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, उसको भूख लग गई थी तो मैं भी करने जा रही थी तो मैंने उसको पहले खिला दिया, इसके बाद मैं उसको नहलाऊंगी आज, खाने के बाद नहाने वाला है आज वो, और उसके बाद फिर हम स्कूल के लिए निकल जाएंगे। और हम लोग तैयार हो रहे थे और पापा के दिमाग में भी आ गया कि मैं भी चलता हूँ सिद्धार्थ का स्कूल देख लेता हूँ, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता ना कि पेरेंट्स अंदर तक जाएं, टीचर से मिलें, पूरा स्कूल घूम सकें। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तभी, या ऐसे कुछ प्रोग्राम या वर्कशॉप्स होती हैं तभी इन्वाइट होते हैं पेरेंट्स, मतलब अंदर स्कूल के अंदर। तो पापा का मूड किया कि मैं भी चलता हूँ, सब कुछ देख लूँगा, तो पापा भी फिर रेडी हो गए, हमारे साथ गए वो। तो हम लोग निकले थे वही 10:15-10:20 के करीब, और वापस हम लोग 1:15 बजे आए हैं, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। तीन चीज़ें थी, एक तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, देन टीचर के साथ जो क्लास टीचर थी उनके साथ मीटिंग थी, और उन्होंने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, जो भी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं उससे हमें अवेयर करवाया,
और बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी चेंजेस आते रहते हैं और पेरेंट्स को बताना ज़रूरी होता है, तो वही सारी चीज़ें हुई। देन बुक्स लेनी थी, वहाँ भी लगभग 40-45 मिनट्स लग गए। देन जब भी हम बुक्स लेते हैं ना, सभी लोग मतलब ये मैंडेटरी होता है कि आप पूरी बुक एक एक चेक करो, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो 1:15 के करीब हम लोग वापस आए। उसके बाद अभी मैं लंच बना रही हूँ। लंच में सिंपल जो मूंग दाल की छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी होती है ना, वो बन रही है। पापा सो रहे हैं, सिद्धार्थ अपनी क्लास कर रहा है, हम लोग किचन में मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। आपको कैसा लग रहा है कि ये बताइए? 4 साल बाद आए हैं इस बार, बहुत अच्छा लगा है ना। और ये घर, यहाँ पे घर कैसा लगा? घर भी अच्छा लगा, खुला खुला है ना, एकदम खुला। पहले तो वहाँ बहुत छोटा था, हाँ छोटा था वो वाला रूम, तो फिर भी खुला था। हाँ। जो बेडरूम था उसके पीछे तो खुला ही हुआ था, वो भी अच्छा था। हाँ वो तो अच्छा लगा। हाँ वो भी माँ को बहुत पसंद था, वहाँ पे छत, हाँ अपना था। और सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता था वहाँ पे पता है? छत, छत। हाँ जाओ कपड़े सुखाओ बैठो, मतलब वो छत हमारी अपनी थी। जैसे रजिस्ट्री होती है तो उसमें करवाते हैं ना अपना, तो वो हमने अपना करवा रखा था। इवन हम उस पर एक दो रूम बनाना चाहें तो अभी भी बना सकते हैं। मतलब सभी लोग अकेले अकेले हो जाते हैं, हम लोग यहाँ भी और वहाँ भी, लेकिन रहना वहाँ भी ज़रूरी है ना। अभी भी सुबह पापा 1 घंटा वहाँ पे कुछ काम था, 1 घंटा फोन पे सुबह बात कर रहे थे, कुछ कुछ बता रहे थे कि ये करना है वो करना है वो करना है। आज तो माँ के लिए बोर हो गई। 4 घंटे क्योंकि हम लोग गए थे बुक्स लाने के लिए, वहाँ भी तो ऐसा था माँ की फोन करने का भी समय नहीं मिला। जैसे ही हम लोग गए तो अंदर हॉल में बिठा दिया, वहाँ पे पूरा वो चल रहा था ना, टीचर सारा एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे स्कूल अब क्या क्या नई चीजें आई हैं सब कुछ। 2 साल बाद हमको भी जाके बहुत अच्छा लगा, पहली बार सिद्धार्थ के स्कूल में गए। उसका स्कूल हमने चेंज करवाया था 2019 में, मतलब 2020 और 2021 वाला जो सेशन है वो फर्स्ट टाइम उस स्कूल में जाने वाला था वो। और उसके बाद 2020 में तो कोरोना आ गया, तो उसके नए स्कूल में वो एक दिन भी नहीं गया था, और ये कोरोना आ गया। और 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा था। इवन हमने भी कोई फंक्शन या कुछ भी ऐसा कुछ, कोई वर्कशॉप कुछ भी उसके स्कूल में अटेंड नहीं किया था कि हमें एक ओवरव्यू मिले कि हाँ कैसा स्कूल हमने सेलेक्ट किया है। तो आज जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, और मुझे डिसीजन भी अपना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप टीचर से मिलते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको एक ओवरलुक मिल जाता है बच्चे का एकेडमिक ईयर कैसा रहने वाला है और किन हाथों में बच्चा, आपको पता चल जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सिद्धार्थ की क्लास टीचर से आज हम पहली बार मिले, तो मतलब ये नया सेशन भी स्टार्ट हुआ है, तो उनसे भी मिले तो काफ़ी अच्छी हैं वो, बहुत मिलनसार, बहुत स्वीट, बहुत कंफर्टेबल फील करवाने वाली। तो बच्चों के साथ भी ऑब्वियसली वो वैसी होंगी। तो सिद्धार्थ को भी अपनी क्लास टीचर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, बुक्स तो 22 तारीख से ही मिल रही थी, लेकिन क्योंकि आज पेरेंट ओरिएंटेशन था तो मैंने सोचा कि आज ही ले लेंगे, क्योंकि 22 से लेकर अभी तक मिल ही रही हैं बुक्स। तो सिद्धार्थ का बुक्स का सेट आ गया, जिसको मैंने अच्छे से सॉर्ट करके रख भी दिया है घर में। बस अब न्यू बुक्स की एक्साइटमेंट शुरू होगी उसकी, ये करना है वो करना है वो करना है। बट अभी से तो हम कुछ नहीं करवाएंगे, स्कूल अब मंडे से स्टार्ट ही हो रहा है। और पापा आके फ्रेश होके सो गए, तब से वो सो रहे हैं। उसके बाद मैंने खाना वाला खिचड़ी वगैरह बनाया था, हमने खाया, मैं भी थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए सो गई। आप सोए थे मां, आपको नींद आ रहा था? हमको ऐसी आराम की है, सोए नहीं है, हम सोते हैं थोड़ा ऐसी आराम करते हैं। तो माँ नहीं सोई है और सिद्धार्थ नहीं सोया है, मैं भी सो गई, पापा भी, पापा तो अभी तक सो रहे हैं और मूवी देख रहे थे। पापा वेलकम मूवी देखी उन्होंने और एंड आते आते वो सो गए, आधे घंटे की मूवी देखी नहीं उन्होंने, सो रहे थे। बड़ी पसंद आई उनको लेकिन मूवी। कल आते ही बोले कि बेटा लगाओ जो मूवी जो कल आधी देखी थी हमने, आज पूरी मूवी है, खाली हंसी वाला झूठो के मरल ना था आका दादा मरल है बोलो। हां अरे बाप रे बाप, हां तो तो के एक्टिंग कर रहे थे, उठ के खड़ा हो गया ना। ऐसी मूवी है जिसको जितनी बार आप देखो आप उतनी बार देख सकते हो। कुछ मूवीज ऐसी हैं जैसे ये वेलकम हो गई या फिर हेरा फेरी, ये कुछ ऐसी मूवीज है ना जिनको आप 10-15-20 बार देखोगे ना तो वही फ्रेश फीलिंग आती है। हेरा फेरी तो देखोगे ना, हेरा फेरी मूवी ना यार
नहीं याद है, आप देखेंगे तब आपको याद आएगा कि देखे या नहीं, है ना। डेरा में देखी हूँ। हाँ वो भी बहुत अच्छी है, बहुत उसमें हंसी है। माँ आई है, माँ के बर्तन देख देख के अलग अलग तरीके के बर्तन है मेरे पास, और कार स्टाइलिंग के माँ को हाथ में ऐसे पकड़ा दो तो यूं हो जाते हैं उनके हाथ, इतने भारी लगते हैं। बहुत भारी भी तो है, दरवाजा भी हमसे नहीं खुलता है, वो सब सब में ताकत की जरूरी है। हाँ ये सब ऐसे खींचने पड़ते हैं, ये सब थोड़ा माँ से नहीं खींचना पड़ता है। उठा दिया दादाजी को, अब चाय भी बन गई है, आ जाओ। चाय बन गई है, उठ जाओ दादाजी, पेट दबा दबा के उठा रहा है। मैं नीचे भी जाऊंगा। ठीक है चल लेना। चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग सभी लोग चले गए थे नीचे, और नीचे जाने के बाद एक डेढ़ घंटा सिद्धार्थ नीचे साइकिलिंग किया उसने, पापा ने थोड़ी देर वॉक किया, फिर वो बैठे हुए थे आराम से पार्क में, माँ भी मेरे साथ थी, कीर्तन भजन भी हो रहा था, तो थोड़ी देर वहाँ बैठी मेरे साथ माँ, फिर उन्होंने वॉक किया। नीचे हमारी सोसाइटी में मंदिर है ना, तो भजन कीर्तन एवरीडे होते रहते हैं। 7:45 के आसपास हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद हम लोग सिद्धार्थ को लेके गए थे डॉक्टर के पास में, बिकॉज जो उसको सर्दी खांसी हुई थी ना, तो उसके एंटीबायोटिक्स चल रहे थे, तो डॉक्टर ने बुलाया था कि एक बार आप दिखा लेना तो मैं बता दूंगा कि आगे और कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो जस्ट एक सिंपल रेगुलर वाली अपॉइंटमेंट थी, तो एंटीबायोटिक्स उसके ख़त्म कर दिए डॉक्टर ने, जस्ट उसको कॉफ सिरप देना है 2-3 दिन, उसके बाद वो भी स्टॉप कर देना है। उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी, 9:15 के करीब हम लोग वापस आए, उसके बाद ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आए हुए थे, वो भी मुझे वॉश करके रखना था। सर्दियों में तो चल जाता है, आप 1-2 दिन बाहर छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल भी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन गर्मियों में ना आप कुछ घंटे भी अगर छोड़ दो ना तो सब्ज़ियों में दिखने लगता है, तो इसीलिए उधर खाना बन रहा है जिसमें हस्बैंड कर रहे हैं हेल्प, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है, काफ़ी लेट हो गया, और इधर मैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह धो करके इनको पोंछ करके और फिर मैं फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मंगवाई हैं अगर छोड़ दिया तो ये हो जाएंगी ख़राब। इसके बाद हम लोग सीधा मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी 31st की मॉर्निंग है ये, और ये आज लंच बॉक्स दिया था मैंने अपने हस्बैंड को, जो कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, इसमें जीरा राइस था, शाही पनीर था, और साथ में आलू बीन्स की ये भुजिया थी, तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहले मैंने सोचा बीन्स आलू शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जब हमने खुद इसको टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का भी हो गया है, और अभी मैं सबके लिए घर में जूस बना रही हूँ, हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके थे, बस हम जो 4 लोग बचे हैं हम लोग पियेंगे जूस, क्योंकि उनको तो मैं जब वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं उसी समय बना के दे देती हूँ, और हम लोग उस समय सुबह सुबह नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट ही थोड़ा लेट करते हैं। और इसके बाद मैंने पूरा दिन आज कुछ खास शूट नहीं किया है, तो मिलते हैं सीधा शाम को। और आज घर में बनने वाला है मटन, सिद्धार्थ और हस्बैंड तो खाते ही हैं, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत पसंद करती हैं नॉनवेज, तो जब भी वो आती हैं, आप लोगों को पता ही होगा जो बहुत पुराना फॉलो करते हैं मुझे, 4 साल पहले भी जब आई थी तो हम लोग खूब बनाते थे और उनको खिलाते थे, बिकॉज़ वो घर पे जाती हैं तो वहाँ नहीं बनाती हैं, तो 4 सालों बाद वो फिर से खा रही हैं। तो आज बनने वाला है मटन, बहुत बढ़िया बना था, तीनों लोगों ने ये रिव्यू दिया, सिद्ध को भी बहुत पसंद आया, तो रेसिपी मैं यहाँ पे मटन की शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और अच्छा बहुत बना है। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया है और इसके अंदर थोड़ा तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाली है, साथ ही 4 से 5 ये लौंग हैं इनको ऐड किया है, इसके अंदर 1 बड़ी इलायची जाएगा, बिल्कुल एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा भी इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इस वाली रेसिपी में ना ढेर सारे प्याज पड़ते हैं, तो ये लगभग मैं कहूँगी 650-650 ग्राम प्याज रहा होगा, जिसको एकदम महीन करके चॉप किया हुआ है, पीसना नहीं है, चॉप करके डालना है, और इतना सारा प्याज आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरीके से आपको भून लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है प्याज को, बिकॉज़ मटन के साथ भी ये प्याज भुनेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे। प्याज का देखिए यहाँ पे कलर कितना चेंज हो गया है, तो अभी हम इसके अंदर ये मैरिनेटेड मटन ऐड कर देंगे।
मटन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया था थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने दही के डाले थे। 3 बड़े चम्मच भर करके इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया था मैरिनेशन में, और बस इसको 2 घंटे के लिए लगभग हमने मैरिनेट किया था। देन यहाँ पे प्याज हो गए हैं, इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। काफ़ी टाइम लगा के भूना था हस्बैंड ने, मुझे लगता है 30 मिनट के लिए तो भून ही रहे थे, बस मीडियम लो फ्लेम करके भूने जा रहे थे इसको। उसके बाद ये मसाला गया है, ये मीट मसाला है, जो पैकेट वाले मसाले आते हैं, कोई भी मीट मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी में थोड़ा सा घोल करके ना गीला कर लिया है, तो 2 से 2.5 बड़े चम्मच मीट मसाला लिया है और वो इसके अंदर ऐड किया है। अब मसाले के साथ भी इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ये गरम मसाला है, होममेड गरम मसाला, ये भी डाल करके 1 मिनट तक भूना है। देन इसमें बस 2 ही चीज़ों की कमी बचती है, पानी, और हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और बस सीटी लगा देंगे, बिकॉज़ ये खुला तो चिकन की तरह पकता नहीं है, चिकन तो बहुत जल्दी पक जाता है, इसको पकने में लगता है काफ़ी टाइम, काफ़ी समय दिया। सबसे ज़्यादा जो समय लगा है वो इसको भूनने में लगा है, और इस तरीके से ढक्कन लगा लगा के कुछ देर के लिए वो छोड़ रहे थे और फिर से चला रहे थे। ये ट्रिक वो चिकन के साथ भी करते हैं और मटन के साथ भी करते हैं, और बनाते काफ़ी अच्छा है वो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि माँ ने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया। अभी देखिए पानी ऐड हो गया, नमक वगैरह एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें सीटी लगा देंगे, और इसको आई थिंक 15 मिनट के लिए उन्होंने कुक किया था। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसी होनी चाहिए। और जब आप इस तरीके से छोटा छोटा चॉप करके प्याज को बनाते हैं ना, ग्रेवी चिकन की या मटन की, तो बहुत अच्छा एक दरदरापन सा आपकी ग्रेवी में रहता है, जैसा कि बाहर मिलता है ना चिकन एंड मटन, उसकी भी कंसिस्टेंसी एंड उसका जो लुक होता है कुछ ऐसा ही आता है। तो इसी तरीके से आप पीसिए कम मत प्याज को, छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप करके ही ऐड कीजिएगा, उससे बहुत फ़र्क आता है, ग्रेवी दिखने में एकदम बाहर जैसी लगती है। कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है, और ये एकदम अच्छे से वेल कुक्ड हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट बना था। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैरिनेशन में ना थोड़ा सा नटमेग भी आप अगर थोड़ा सा कद्दूकस करके डालते हैं ना, तो चिकन या मटन में थोड़ा सा नटमेग ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जायफल जो होता है, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और चिकन और मटन थोड़ा सा सॉफ्ट भी बनता है। तो यहाँ पे ये मटन तैयार है, जिसे रोटी और प्लेन राइस के साथ खाइए, थोड़ा सा प्याज के सैलेड के साथ। जो भी मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, उनको ये रेसिपी आज काफ़ी दिनों बाद मैं दे रही हूँ, बट इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो मतलब ये बनाया था ना, ये काफ़ी पसंद आया माँ को भी। माँ खुद भी एक्सपर्ट हैं सारी चीज़ें बनाने में, लेकिन उनको काफ़ी पसंद आया और सिद्ध को भी बहुत अच्छा लगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।